हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 7 जुलाई 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssclpinnacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन, आप माय टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और ssclpinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतवंशी महिला को Unity 22 अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए चुना गया है, तो इसका सही जवाब था शिरीषा बांदला। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी से सैसिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब था धवल कुलकर्णी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। तो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल की नई नियुक्तियां की हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया है। अब तक वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य का तबादला कर त्रिपुरा के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। पीएस श्रीधरन पिल्लई को अब गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्रन विश्वनाथ आलेरकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल तथा हरि बाबू को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बायस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजसागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघटा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है बी एस येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतरडक्कल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने अमर, आर मिस, साही और ई मेधा पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय। तो सबसे पहले अमर की फुल फॉर्म है आयुष मनुस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड डिपॉजिटरी, आर मिस की फुल फॉर्म है रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, साही की फुल फॉर्म है शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स और ई मेधा की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन। तो आयुष मंत्री ने अमर, आर मिस, साही और ई मेधा पोर्टलों के साथ आयुर्वेद डेटाबेस से संबंधित CTRI पोर्टल लॉन्च किया है। सबसे पहले बात करें ई मेधा की, तो यह पोर्टल NICU के ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12,000 से अधिक भारतीय चिकित्सा विरासत पुस्तकों के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। वहीं बात करें अमर पोर्टल की, तो इस पोर्टल ने भारत भर में या दुनिया के अन्य हिस्सों में पुस्तकालयों या व्यक्तिगत संग्रह में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा की पांडुलिपियों और कैटलॉग को खोजने के लिए दुर्लभ और कठिन जानकारी को डिजिटलाइज किया है। शाही पोर्टल स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं पर ध्यान देने के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली को समझने में बहुत उपयोगी होगा। आरमिस, ICMR और CCRAS का पोर्टल आयुर्वेद आधारित अध्ययनों में अनुसंधान और विकास के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 जुलाई 2021 को आगामी टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी यानी मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की है कि मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह 23 जुलाई 2021 को आगामी टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वज वाहक होंगे। 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पुनिया होंगे, यह तस्वीर में देखिए। आगामी ओलंपिक में भारतीय दल का आधिकारिक आकार लगभग 126 एथलीट और 75 अधिकारी होंगे, जिनकी कुल संख्या 201 होगी। यहाँ पर एक क्विक रिविजन की बात करें तो रियो स्वर्ण पदक विजेता पुरुषों के हाई जम्पर मरियप्पन थंगावेलु को 25 अगस्त से 5 सितम्बर तक होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल भारत के ध्वजवाहक के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जयपुर। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को
100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया है। स्टेडियम के पहले चरण के निर्माण कार्य में 24 से 30 महीने का समय लगने की संभावना है। प्रस्तावित स्टेडियम में 75,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कविता राव। तो लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक कविता राव द्वारा लिखी गई है। यह तस्वीर में देखिए, पुस्तक का प्रकाशन अमेज़न समर्थित वेस्टलैंड बुक्स द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानियों को पुनः प्राप्त करती है, जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुधांशु मित्तल। तो 2021 से 2025 के लिए 5 जुलाई को आयोजित डबल के FI की वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया डबल के FI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के पूर्व न्यायाधीश राजेश टंडन ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में परिणामों की घोषणा की। यह तस्वीर में देखिए, 2021 से 2025 के लिए डबल के FI के अन्य पदाधिकारियों में महेंद्र सिंह त्यागी को महासचिव और सुरेंद्र कुमार भुटियानी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC बनाने के लिए सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी राम सेवक शर्मा और नंदन नीलेकनी। तो सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO राम सेवक शर्मा और इन्फोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकनी को डिजिटल कॉमर्स ONDC के लिए एक ओपन नेटवर्क बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ONDC की परिकल्पना भारत के सभी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को एक नेटवर्क पर एक साथ लाने और भारत की डिजिटल क्रांति को सशक्त बनाने के लिए की गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने ONDC पर परियोजना शुरू की है और यह कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुखबीर सिंह संधु किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बड़ा नौकरशाही फेरबदल किया है। उत्तराखंड सरकार ने ओम प्रकाश की जगह वरिष्ठ IAS अधिकारी सुखबीर सिंह संधु को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अभी तक सुखबीर सिंह संधु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। तस्वीर में देखिए, 1988 बैच के IAS अधिकारी संधु उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवा डैम यमुना, तेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और ग्रेसेन, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दुनिया की सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। तो भारत की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन 10,277 बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। एडवर्ड्स के 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई है। उन्हें तस्वीर में देखिए, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में मिताली ने 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 24वें ओवर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 7,849 रन के साथ तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरल MM नरवणे किस देश में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इटली। तो सेना अध्यक्ष COAS जनरल MM नरवणे 5 जुलाई से 8 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। सेना प्रमुख इटली के प्रसिद्ध कस्बे कैसिनो में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे और रोम में तालवी सेना के काउंटर IED सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी इसकी जानकारी देंगे।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार इटली और ब्रिटेन की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख नरवणे भारत के रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने समकक्षों और इन देशों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। बात करें यहाँ पर इटली की, तो इसकी कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की, तो थावरचंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर बने हैं। अमर आर्मिस साही और ई मेधा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। लेडी डॉक्टर्स दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वेमेन इन मेडिसिन बुक कविता राव ने लिखी है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं सुधांशु मित्तल। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर के तौर पर राम सेवक शर्मा और नंदन नीले कैनी को शामिल किया गया है। सुखबीर सिंह संधु उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। वेमेन क्रिकेट में हाइएस्ट रन स्कोरर बन गई हैं मिथाली राज। और जनरल MM नरवणे इटली में इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।